ब्रेकिंग न्यूज बलिया, बलिया विधायक का बड़ा बयान, धर्मांध इस्लामाबाद देश व दुनिया के लिए खतरा, ऐसी मानसिकता वालों को मिटाना ही इसका इलाज, तबलीगी जमात को बताया यमराज। बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने कट्टरपंथी मुसलमानों पर बड़ा हमला बोला है, तबलीगी जमात वालों को यमराज कहा है। श्री सिंह ने कहा कि धर्मांध इस्लामाबाद देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा हो गए हैं, अगर इनके ऊपर नियंत्रण नहीं किया गया तो अगले 50 सालों में दूसरे लोगों का ये लोग नामो निशान मिटा देंगे। प्रशासन द्वारा गाँव में राहत देने के लिए कहां तक सफलता हो पाई? देखिए, मेरा प्रशासन बिल्कुल अपने हिसाब से लगा हुआ है, इसमें कोई दोरा नहीं है, लेकिन देखिए सम्यक समाज को व्यवस्था दे पाना भी हमारी समझ से किसी के लिए कठिन काम होता है, तो कुछ कमी भी रह गई होगी, लेकिन हमारे जिलाधिकारी, हमारे कप्तान, हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी और हमारे सभी समस्त अधिकारी भी लगे हुए अपनी क्षमता के अनुसार, और जितना इस संकट काल में हो सकता है सब लोग कर रहे हैं भाई, सब लोग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल रूप से कह सकता हूं कि हमारे बलिया में जितने भी अधिकारी इस समय काम सेवा कर रहे हैं, मैं उनके काम की सराहना करता हूं, हम लोग उससे भी जो हो रहा है हम लोग भी कर रहे हैं, अधिकारी भी हमारे कर रहे हैं। किया गया समापन आ रहा है तो क्या कई दिन के बाद खत्म हो गई, आगे बढ़ेगा आपके? देखिए हमारे समझ से जो है जहाँ मेरा सुझाव मान लीजिए, जहाँ जिस भी जिले में अब तो चिन्हित हो गया किस जिले में कितने रोगी हैं, तो जिस जिले में ज्यादा प्रभावी क्षेत्र है वहाँ पर बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए और मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था उच्च स्तरीय कर देनी चाहिए, वहाँ पर कैंप लगा करके जितने भी रोगी हों एक जगह रखा जाए, उनकी व्यवस्था किया जाए और दवा कराया जाए, और जिस भी जिले में कोई अभी प्रभाव नहीं है, संक्रमण का प्रभाव नहीं है, वहाँ पर लॉकडाउन रखना प्रासंगिक हमारे समझ से अब नहीं है, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, लेकिन जहाँ पर इस तरह का प्रभाव है और बढ़ रहा है वहाँ पर तो बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए और उसी जिले को लॉकडाउन कर दीजिए और जितना मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यकता है वो अधिक से अधिक वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाए, यही अब पद्धति अपनाई जानी चाहिए। जो दिल्ली में जो काम घटके पूरी दुनिया के लिए धर्मांध इस्लामाबाद पूरी दुनिया के लिए संकट हो चुका है, पूरी दुनिया यदि नहीं चेती तो ये कट्टर आतंकवादियों के चिंतन के सामने पूरी दुनिया को नष्ट हो जाना पड़ेगा, इसलिए अच्छा ये होगा कि दुनिया को नष्ट होने से बचाने के लिए अच्छा है कि ऐसी मानसिकता के लोगों को नष्ट कर दिया जाए, ऐसी मानसिकता के लोगों को ही नष्ट कर दिया जाए यदि दुनिया को बचाना है। मेरा इसमें भी मेरा व्यक्तिगत ही मैं विचार अपना कर सकता हूं कि भारत को यदि बचाना है तो ऐसा कोई कानून लाया जाना चाहिए जिसके चलते इनकी जनसंख्या पर वृद्धि रोकी जाए, और नहीं तो 50 वर्षों बाद भारत का स्वरूप जो दिख रहा है फिर देखने को नहीं मिलेगा। मैं अपने हृदय की अपने चिंतन की पीड़ा व्यक्त कर रहा हूं। आज जो है जम्मू कश्मीर से लाखों लोग भगा दिए गए, भारत के किसी नेताओं को चिंता नहीं, लेकिन CAA पर धरना कोई दे रहा है तो कोई इस पर थोड़ा सख्ती करना चाहता है तो सभी नेताओं को चिंता हो जाती है। तो विरोधी पक्ष में काम करने वाले लोग भी ध्यान रखो, न कल पार्टी रहेगी, न तुम्हारा अस्तित्व रहेगा, न तुम्हारे वंशजों का अस्तित्व रहेगा, इसलिए कट्टर इस्लामाबाद का जवाब सभी समाज को मिलकर के बढ़िया से देना चाहिए, और ये लोग कभी भी सज्जनता की भाषा नहीं सुनते हैं, इन सबों की भाषा बढ़िया भाषा जो है, इन लोगों को जवाब देने की क्षमता पूरे देश में किसी एक मुख्यमंत्री के पास है तो मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ को ही कहूंगा कि उनके पास क्षमता है, और पूरे भारत के हम सम्मानित मुख्यमंत्री लोगों से आग्रह करूंगा कि इस कौशल को सीखना है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ से सीखें, इनकी मानसिकता को कैसे दबाया जा सकता है, आतंकवादियों को कैसे सिखाया जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रशासनिक दृष्टि से माफिया हो, चाहे अपराधी हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे वो CAA के समर्थन में नारे देश विरोधी नारे लगाने वाले हों, यदि कहीं ठंडे हैं तो उत्तर प्रदेश की धरती पर, नहीं तो 25 करोड़ की आबादी के राज्य में आज संकट पैदा हो गया होगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अकेले मुख्यमंत्री नहीं होते तो यहाँ संकट पैदा हुआ होता, लेकिन मैं अपने नेता आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान पर सब लोगों ने दिया जलाया, परंतु राहुल गांधी सोनिया गांधी के टिप्पणी पर उन्होंने ये राजनीति का 40वां वार्षिक गठबंधन बनाया, इस पर क्या राय है? क्या 5 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर सारे देश में 1 अरब 30 करोड़ ने मोमबत्ती जलाया
अपान तो विपक्ष का ये कहना है कि ये राजनीतिक चाल है, कोरोना वायरस पर भाजपा चाल चल रही है, उनका 40वां वार्षिक गश्त था। ऐसा है वो जिसका जैसा चश्मा होता है वैसा पूरी दुनिया दिखती है। वो लोग जो है राजनीति के आधार पर अपने घर का भी वर्षगांठ मनाते हैं, तो उनके दिमाग में वही है जो है, चाहे इंदिरा जी चाहे गांधी जी और चाहे नेहरू जी, सबका वर्षगांठ मनाना होता था तो सरकारी तंत्र लगा करके मनाते थे लोग, तो उनके दिमाग में वही था। तो हम तो मान लीजिए समाज के बल पर, समाज से प्रार्थना करके मना रहे हैं, जो खुद वर्षगांठ सत्ता के बल पर मनाता था वो हमारे चिंतन को क्या चुनौती दे सकता है। हम यदि आग्रह भी किए हैं तो भारत की जनता से किए, यदि दिया कोई जला ही दिया हमारे कहने से तो उनको दर्द होना थोड़ा प्रासंगिक नहीं लग रहा है। यदि दर्द पूछना ही है तो ननिहाल इस समय चले ना जाएं। इस समय इटली का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं? इस समय इटली का दौरा नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले हर हफ्ता कर लेते थे इटली का दौरा, लेकिन इस समय इटली का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं? चले जाए ननिहाल में जाकर के दिया वो भी जला के चले आए, काहे दुख को हो रहा है, वो भी मोमबत्ती जला लें। हम लोग तो दिया जलाए हैं हिंदू होने के नाते, उनको भी कहा गया था कि आप मोमबत्ती जला लीजिए, तो मोमबत्ती जाकर के जला में भारत में जलाने की इच्छा नहीं तो इटली में जाकर के जला में हैं, दहेज में फिर कोरोना लेकर के चले आएंगे। लगता है कि जो इटली ननिहाल है ना, तो अब चले जाएंगे तो दहेज में कोरोना लेकर के फिर चले आएंगे, तो अच्छा होगा कि जो है झूठे टिप्पणी करने से अच्छा है कि देश के इस विपत्ति काल में सभी लोग जो है सम्मान के साथ इस देश में आपदा जो आई है उसका सामना करें और सबको जो है साहसपूर्वक इसका सामना करें। इस आपदा को भी राजनीति लोग मना कर रहे हैं। देखिए वो राजनेता है ही नहीं, लोग विपक्ष के भूमिका में काम करने वाले लोग, शुद्ध रूप से परिवार चलाने वाले लोग हैं, परिवार के जो है बल पर राजनीति करने वाले लोग हैं। नेता तो अब केवल कोई कहीं बचा है तो शुद्ध रूप से बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के नीचे काम करने वाले लोग ही हैं, जिसके बारे में देश और भारत के बारे में सोचते हैं। ये सब केवल अपने परिवार और परिवार के लिए सोचने वाले लोग हैं, ये लोग देश की चिंता क्या करते हैं? आज जो है विपक्ष का कोई भी व्यक्ति, मैंने हजारों के कोरोना का मरीज पैदा कर दिए सब, ये कोरोना बम आकर के ये कौन मुस्लिम का तबलीगी जमात वाले, मैं तो इन सबों को जमात शब्द हटा करके जमराज कह रहा हूँ। ये कलयुग के यही जमराज है, हिंदू संस्कृति में जो जमराज की संस्कृति है, जमराज की कल्पना है, यही सब जमराज है। तो जमराज जो है अंतिम समय में ही आते हैं सब, तो इस समय ये सब भी जो है अंतिम समय में आए हैं, सबको मारने के लिए सब आए हैं सब। तो ये हिंदू संस्कृति के जो जमराज हैं वही जमात वाले हैं, तो इन जमराजों को जो है जल्दी भारत की धरती से विदाई किया जाएगा, क्योंकि यहाँ भगवान का देश है और फिर से राम का अवतार हो गया है, सब ठीक ठाक हो जाएगा।